नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 वर्सेस Vivo Y28s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 14 में 6.39 इंच जबकि Vivo Y28s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 14 में 0.31 इंच जबकि Vivo Y28s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 14 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 14 में 190 ग्राम जबकि Vivo Y28s में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 14 में OLED जबकि Vivo Y28s में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोट 14 में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y28s में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन नोट 14 में 1080x2400px FHD+ और Vivo Y28s में 720x1682px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोट 14 में 87.37% जबकि Vivo Y28s में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो नोट 14 में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo Y28s में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 14 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y28s की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो नोट 14 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y28s की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो नोट 14 में IMGBXM8-256 जबकि Vivo Y28s में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो नोट 14 में MediaTek Dimensity 7025 Ultra और Vivo Y28s में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 14 में 6GB जबकि Vivo Y28s में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी नोट 14 में 5110 mAh जबकि Vivo Y28s में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो नोट 14 में 3 कलर्स जबकि Vivo Y28s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोट 14 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Vivo Y28s की तो वो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 14 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए Vivo Y28s 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 14 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 14 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो के 12X 5G है, दूसरा रियलमी नाजो N65 5G है, तीसरा इन्फिनिक्स नोट 40 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी C63 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।